Good morning, everyone. Continuing with our last lecture, next जो चीज आती है, that is other procedural requirements. वो क्या है? कि resolution जो approve कर रहा है qualified institutional placement के लिए, वो pass होना चाहिए under subsection IA of section 81 of the Companies Act 1956 या कोई भी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन जो वैलिड है उस टाइम पे. और ये जो वैलिड रहेगा रेजोल्यूशन, वो वैलिड रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. जिस डेट से आपने रेजोल्यूशन पास किया है उस डेट से. अगर आप मल्टीपल प्लेसमेंट्स निकाल रहे हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की सेम शेयर होल्डर रेजोल्यूशन से, तो हर एक प्लेसमेंट के बीच में एटलीस्ट 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए. देन जो इश्यूअर और मर्चेंट बैंकर्स हैं, वो सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट्स, अंडरटेकिंग्स, जो भी स्पेसिफाइड है लिस्टिंग एग्रीमेंट में, फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल और फाइनल परमिशन जो उन्होंने लेनी है स्टॉक एक्सचेंजेस से, जहाँ पे जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं वो लिस्टेड है. नेक्स्ट जो लास्ट कंडीशन है हमारी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के लिए, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है वो मैनेज जो है वो सभी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर करता है, जो ड्यू डिलीजेंस फॉलो करेगा, फर्निश करेगा ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंजेस को, ये स्टेट करते हुए कि जो भी इशू से रिलेटेड रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें कंप्लाई किया गया है. जो मर्चेंट बैंकर है वो फाइल करेगा एक कॉपी डॉक्यूमेंट की और पोस्ट इशू डिटेल्स सेबी के पास जब अलॉटमेंट हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर. तो ये थी हमारी कंडीशंस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के लिए. तो इसके साथ ये जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज या इशू मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटीज इन न्यू इशू मार्केट, वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स. थैंक यू सो मच.